सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Realme ने अपने दो लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। उन दोनों स्मार्टफोन के नाम है, एक है Realme C15 और दूसरा Realme C12। इन दोनों स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। दोनों फ़ोन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस कैमरे का फ़र्क है। Realme C15 में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, यानी इसमें चार रियर कैमरे दिए गए हैं, जबकि Realme C12 में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं। दोनों फ़ोन में वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच दिया गया है। दोनों फ़ोन में फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। Realme C12 और Realme C15 के प्राइस की बात करें तो Realme C12 के 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 8,999 रुपीज़ रखी गई है। वहीं C15 के 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस 9,999 रुपीज़ रखी गई है और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 10,999 रुपीज़ रखी गई है। दोनों फ़ोन पावर ब्लू और पावर सिल्वर कलर वेरिएंट में मिलेंगे। Realme C12 की बिक्री 24 अगस्त से और C15 की सेल 27 अगस्त से स्टार्ट होगी। Realme C15 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन को सबसे पहले इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था, जिसके मुताबिक Realme C15 में डुअल सिम सपोर्ट के साथ एंड्रॉयड 10 बेस्ड Realme UI है। इसके अलावा फ़ोन में 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप डिस्प्ले दी गई है, जिस पर गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन दिया गया है। फ़ोन में मीडियाटेक का ऑक्टाकोर हीलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें रैम के वेरिएंट हमने आपको पहले ही बता दिए। Realme C15 के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 4 रियर कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, तीसरा 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट सेंसर और चौथा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी फीचर्स में इस फ़ोन में वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 4G, GPS और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे कनेक्टिविटी फ़ीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। अब बात करते हैं Realme C12 के स्पेसिफिकेशंस की, तो इस फ़ोन में फीचर्स तो Realme C15 की तरह ही हैं। Realme C12 में भी डुअल सिम सपोर्ट के साथ एंड्रॉयड 10 बेस्ड Realme UI दिया गया है। इसके अलावा फ़ोन में 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप डिस्प्ले दी गई है, जिस पर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। फ़ोन में मीडियाटेक का ऑक्टाकोर हीलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें भी 3GB रैम वेरिएंट है। Realme C12 के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसमें 3 रियर कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का और तीसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी फीचर्स में ब्लूटूथ, वाईफाई, 4G, GPS, 3.5mm हेडफोन जैक जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं और इस फ़ोन में भी 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 10W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ये दोनों स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गए हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप आसानी से किसी भी स्मार्टफोन को ख़रीद सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।